आज की इस रैली के बारे में क्या कहना चाहिए सर? आज किसान जो जाग चुका है, जो केंद्र सरकार ने 3 आर्डिनेंस बिल बना दिए हैं वो किसान के विरोधी हैं। हम पंजाब में सभी रेलवे ट्रैक पर किसान बैठा है, बुजुर्ग से तक बच्चे तक हर किसान ट्रैक पर बैठा है। हमने सड़क की आवाजाही बंद करके कई दिन रखी है और आज हम सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट भी आज डाल दी है क्योंकि इसका विरोध करते हैं। जहां हम इनको सरकार को जिकाएंगे, जहां पर आंदोलन करके, वहां हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ जो रिट डाली है उनके लिए भी हमने ये कहा कि जो ऑर्डिनेंस या बिल बनाया उनको रद्द किया जाए और जितना चिर ये बिल नहीं हुंदा था उतना चिर स्टे दी जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि जे किसानों की मौत के ब्रांटों पर साइन किए है किस्म के राष्ट्रपति साहब ने, क्योंकि जे मोदी कारपोरेट घरानों को सब कुछ देने जा रहा है। सब हमारी ये मंडी देखो कितनी अच्छी मंडी है, पंजाब हरियाणा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों का नहीं है। जे प्राइवेट प्लेयर आ गया, प्राइवेट व्यापारी आ गया तो जे हमारे सारे आढ़ती भाई लेबर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब छोटा दुकानदार सब बिजनेस हमारा खत्म हो जाएगा। ये अडानी अबानी बड़े परिवार आ जाएंगे जो हमारी किसानी को भी खा जाएंगे, लेबर भी खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी हमारी खत्म हो जाएगी। जे बोलते हैं भी हम जो बंदा खरीदेगा एक पैन कार्ड वाला हमारी फसल खरीदेगा, जब सरकार नहीं लोगों को पकड़ सकी, जे बैंकों का पैसा करोड़ों रुपये लेके भाग गए, जे हमारे से फसल खरीदेगा हमारे ये सारे पैसे लेकर भाग गया, हम कहाँ से इनको पकड़ेंगे? जे हम सरकार से पूछते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि सरकारी खरीद चालू रहे, हमारे MSP पर 23 फसलों पर MSP है, गवर्नमेंट इनकी गारंटी ले, 23 फसली हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाए। दूसरा ये कहते हैं भंडारण की समत है बिल में, वो व्यापारी आएगा प्राइवेट वो हमारा सारा कुछ खरीद लेगा, सस्ते रेट में खरीद लेगा, वो कहेगा जे गेहूं का दाना खराब है जिसमें मॉइस्चर बद है कम रेट में, जैसे बिहार में है, बिहार में आज 800 तो हजार रुपये चावल बिक रहा है, 800 तो हजार रुपये कणक बिक रही है, तो सिर्फ पंजाब ते हरियाणा च ही है जो MSP का रेट 1800-1900 रुपये बिक रहा है। जब जे खत्म हो गई मंडी खत्म हो गई, सरकार एंटर ना की तो हमारे भी जहाँ कणक और जे चावल 800 तो हजार रुपये बिकेंगे। फिर वो कहते हैं जो कहते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम शुगर मिलों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करते हैं, उनसे एक बॉन्ड करते हैं, इकरारनामा करते हैं कि हम जे गन्ना इतने परसेंट सप्लाई नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी लगती है। जे सरकार को भी 14 दिन में पैसे देने पड़ते हैं पर सरकार के कोई पेनल्टी नहीं लगती, साल साल डेढ़ डेढ़ साल हमारे देखो यूपी में भी नहीं पैसा मिला, अभी पंजाब में एक साल हो गया पैसा मिले को हमें गन्ने का। ऐसे सरकार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी, आगे भी जे तजर्बा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी फेल हो चुका, इसलिए हमने जगह जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारा किसान उठ खड़ा है, पंजाब में बड़ा आंदोलन चल पड़ा है, हरियाणा में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि जे तो काला कानून वापस ले, नहीं तो हम बहुत बड़ा आगे जाकर जे फसल सामने बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। पंजाब के अंदर एक चीज सुनने में आई है कि पंजाब के सारे कलाकार यानी जितने सिंगर हैं वो किसानों के साथ हैं, तो आपको लगता है इन चीजों से कुछ आवाज बुलंद होगी किसानों की? हर लोग पंजाब का, कल्ली भाजपा ही नहीं किसानों के साथ, बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस अकाली दल को भी हमने रिजाइन करवा दिया, मिनिस्टर को प्रेशर हमने डाला, उसने रिजाइन करना पड़ा उनको, सभी हमारे साथ है, कलाकार बच्चे सभी हमारे साथ है, सभी सड़कों पर बैठे हैं, पूरा प्रेशर हमने बिल्ड किया है, रेलवे की पटरियों पर हम लोग बैठे हैं, सभी इनके अडानी वानिया के हम टोल टैक्स बंद कर दिए हैं, इनके पेट्रोल पंप रिलायंस के हमने बंद कर दिए हैं। जे पंजाब में आने वाले दिनों में हम कल परसों फिर मीटिंग करने जाए 7 तारीख को जथेबंदियां, हमारी सारी किसान जथेबंदी एक साथ होगी और उसमें एक बड़ा ऐलान हम करेंगे, देखेंगे फिर क्या किसानों के अंदर वो एकता हो चुकी है जिससे वो सरकार से अपनी मांग मनवा सके? हाँ, पूर्ण तौर पर एकता हो चुकी है, पूरा प्रेशर डाला हुआ सरकार के भी हमें मैसेज मिल रहे हैं मीटिंग करने के लिए, हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में सरकार भी हमारे साथ मीटिंग करे, हमने बोल रखा हम PM के साथ मीटिंग करेंगे, हेठले लेवल पर किसी को के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। आप हरियाणा में आए, आपको हरियाणा में क्या लगता है इन चीजों में कितना को क्या है? हरियाणा में पूरा जोश है, बहुत आज बहुत लोग आए ने, प्रधान जी साढ़ा रतन मान जी उनका हम धन्यवाद करते हैं, उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रधान रकेश कैद जी आए हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, और हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना थी, उसकी हम माफी चाहते हैं, कोई बात नहीं, आंदोलन हम रल के सारे लोग करेंगे, सभी किसान करेंगे और सरकार को हम मना लेंगे।
हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार है, इसका भविष्य क्या लगता है आपको? जो उंगली उठ रही है इनके ऊपर, चाहे इनको चाहिए सी जो चौटाला जी के इनके साथ है तो किसानों के साथ पहले खड़े रहे हैं, जैसे बादल परिवार भी इनके साथ सी, बादल परिवार वापस आ गया, उनको भी चाहिए इनके इनकी सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। जो किसानों का उनको साथ चाहिए, वोट चाहिए, वोट तो और किसान बहुत दे देंगे, तो आप बाहर आओ, वोट आपको आपको सीएम बना देंगे किसान। आप तो डिप्टी सीएम ने ना वो दुष्यंत चौटाला जी, तो बाहर आए, किसानों के बीच आए, हम सीएम बना देंगे उनको। ऐसी कौन सी मजबूरी है दुष्यंत चौटाला की जो किसान आवाज लगा रहे उसके बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है? बस कुर्सी की मजबूरी है, और तो कोई बात नहीं है। लोगों को इतना जगा दो, हमने जो नारा दिया हुआ है, जो 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 किसानों से खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा, हमने जो नारा दे दिया और गांव गांव में लिख के लगा दिया और बाइकआउट कर दिया हमने भाजपा का। ऐसे ही हरियाणा में भाजपा का बाइकआउट करने देंगे, किसी पॉलिटिकल आदमी को हम गाँव में नहीं बढ़ने देते, ऐसे ही हरियाणा को करना पड़ेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अगर बात की जाए तो जेपी दलाल से विरोध शुरू हुआ था काले झंडे दिखाने का, क्या आने वाले टाइम में हर मंत्री के साथ यही होने वाला है? हर मंत्री, हर एमएलए, हर जो उन्होंने लीडर है बीजेपी का, जो सरकार के साथ है, उनके साथ ये होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।